नूह मेवात जिले में बकरीद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने जगह जगह ईदगाहों में पहुंचकर ईद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मुल्क में अमन शांति व तरक्की की दुआ की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। बकरीद नमाज अता करने के लिए लोगों ने नए कपड़े व सिर पर टोपी पहनकर गांव से कस्बों की ईदगाह के लिए रवाना हुए, जहां मौलाना ने ईदगाह में नमाज अदा कराई। मेवात ही नहीं बल्कि देश भर में मुसलमानों का ये पर्व ईद के बाद सबसे बड़ा पर्व है। पिनगवा के मौलाना जहीर अहमद ने पिनगवा ईदगाह में ईद की नमाज अता करवाई। ईद की नमाज अता कराने के लिए सुबह 7 बजे से ही लोगों का ईदगाह में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बच्चे बड़े सभी नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी ईद की नमाज अता करने पहुंचे। नमाज के बाद लोगों ने न केवल कुर्बानी की बल्कि एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल जुहा का पर्व नबी के द्वारा अपने बेटे की कुर्बानी देने के बाद से हर साल मनाया जाता है। इसके बाद ज्यादातर लोगों ने घर जाकर कुर्बानियों में हिस्सा लिया। जिले के नूह, पिनगवा, पुनहाना, ताबड़ू, प्रोजपुर, छिरका, नगीना में लाखों लोगों ने ईद की नमाज अता की। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की छोटी बड़ी और ताज़ा खबरें। ईद के मौके पर हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे देशवासी अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारें, नफरत और दुश्मनी को ख़त्म करें, आपस में मोहब्बत के साथ रहें। और सरकारों को यह संदेश है कि सरकारें जो है हुड़दंगबाजी और दहशतगर्दी पर जो है लगाम लगावें, ताकि आपस में मोहब्बत और भाईचारा बना रहे और देश को नुकसान ना हो, क्योंकि आपस की नफरतों से देश को नुकसान होता है, देश की जनता परेशान होती है, उसका जान माल खून खराब होता है। बकरीद का क्या महत्व होता है? बकरीद का मतलब है कि इससे एक सिफत पैदा करनी है कि जिससे हमदर्दी और आपस में जोश, जज्बा, मोहब्बत पैदा हो, भाईचारा पैदा हो। बकरीद का ये मकसद होता है और आखरत का सवाब है। बकरीद की आज कुर्बानी है, इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बकरीद के मौके पर हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि मुसलमान जो है आपस में मोहब्बत के साथ रहें और मुत्तहिद रहें और सियासी एतबार से अपने आप को मजबूत बनाएं और सही रहबरी और रहनुमाई करें कौम की। क्यों बकरीद की कुर्बानी दी जाती है? बकरीद कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर की यादगार है, जिन्होंने अपने बेटे लख्त जिगर इकलौते बेटे को जो है ज़िबह करने के लिए अल्लाह के नाम पर पेश किया था। उसकी यादगार में ये हर साल बकरीद को हम कुर्बानी करते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, इस शुक्राने में कि अल्लाह ने हमें बजाय बेटों की जान की कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी पर हमारी जो है किफ़ायत फरमाई। आज दुआ मांगी गई ईद के मौके पर? ईद के मौके पर जो दुआ मांगी गई उसमें कौम की और देश दुनिया की सलामती और अमन अमान के लिए दुआ की गई और बारिश के लिए भी दुआ की गई है, आपस में मोहब्बत के साथ रहने के लिए दुआ की गई है। मिला रहा।